हेलो एवरीवन वेलकम टू संपूर्ण इंग्लिश दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के बीच मिर्च का चैप्टर से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट 25 फाइव ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को डिस्कस करूँगा आप सभी स्टूडेंट्स इन सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बढ़िया से कवर कर लीजिएगा आपके पेपर के लिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों मृच का संस्कृत लैंग्वेज में लिखा गया एक फेमस वर्क्स है जो कि शुद्रका के द्वारा लिखा गया है इस चैप्टर से एक दो नहीं हजारों में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं लेकिन जो चुनिंदे क्वेश्चन बनेंगे उन्हीं को इस वीडियो के माध्यम से मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ इसको बढ़िया से जरूर कर लीजिएगा आइए अब हम लोग वन बाई वन ट्वेंटी फाइव ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं विद आंसर के साथ तो मेरा पहला क्वेश्चन है हु इज द ऑथर ऑफ मिर्स्कटिका तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी शुद्र का ये भी पूछा जा सकता है कि ये किस लैंग्वेज का किताब है तो याद रखिएगा संस्कृत लैंग्वेज का ये किताब है सेकेंड मेरा क्वेश्चन है व्हाट डज द टाइटल मिर्जकटिका मीन तो दोस्तों मिर्जकटिका जो टाइटल है इसका अर्थ है अ लिटिल क्ले कार्ट एंड दूसरा द टॉय कार्ट दोनों सेम चीज है ये चीज़ याद रखिएगा कहीं पे आपको द टॉय कार्ड दिख जाएगा और कहीं पे अ लिटिल क्ले कार्ड दिख जाएगा तो कन्फ्यूजन में मत पड़िएगा तीसरा मेरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है हुच पीरियड इज मिर्च कटिका सेट इन तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी सातवाहन पीरियड चौथा मेरा क्वेश्चन है हु इज द मेन प्रोटागोनिस्ट ऑफ मिर्च कटिका तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी चारू दत्त अगला क्वेश्चन है व्हाट इज सोशल स्टेटस ऑफ चारू दत्त इन प्ले तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी मर्चेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द फीमेल लीड कैरेक्टर इन मृचकटिका? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी वसंत सेना नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है व्हाट इज वसंत सेनाज प्रोफेशन इन द प्ले तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है हु ट्राइज टू वू वसंत सेना बाय फोर्स इन द प्ले तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी साकारा नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है व्हाट रोल डज सरविला का प्ले इन स्टोरी तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी रोवर नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी एक्ट्स आर देयर इन मिर्च कटिका तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी टेन एक्ट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है विच जेनर डज मिर्च कटिका बिलोंग टू तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी ट्रेजिक कॉमेडी नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज देंट्रल थीम ऑफ मिर्चकटिका तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि लव एंड पॉवर्टी नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कैरेक्टर रिप्रजेंट द करप्ट रूलिंग क्लास इन मिर्चकटिका तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी सकारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एनिमल इज एसोसिएटेड विद दल आर्य का इन द प्ले तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट बुल नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द टॉय कार्ट इन मृचकटिका तो इसका राइट right आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सिंबल ऑफ लव एंड पॉवर्टी नेक्स्ट क्वेश्चन है हु सेव्स वसंत सेना फ्रॉम सकार अटैक तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी चारू दत्त नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फेट ऑफ सकारा इन द इंड तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हेल्प्स आर का स्के फ्रॉम प्रेजन तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी चारू दत्त नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मेन कंफ्लिक्ट इन द प्ले तो इसका राइट right आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वेल्थ वर्सेस पॉवर टी नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट गिव टू सेना अ टोकन ऑफ हिज लव तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी टाई नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द रूलर ऑफ द किंगडम इन मृस्कटिका तो इसका राइट right आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पाल का. नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा हुई ऑफ लिटरेचर इज मिस कटिका? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी क्लासिकल संस्कृत लिटरेचर नेक्स्ट क्वेश्चन है वट डज द प्ले हाईलाइट अबाउट सोसाइटी ड्यूरिंग शूद्रकाश टाइम तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करप्शन एंड मोरल डी नेक्स्ट क्वेश्चन है विच हिस्टोरिकल डायनेस्टी इज सजेस्टेड टू बी द बैकड्रॉप ऑफ मृस्कटिका तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सातवाहन एंड मेरा लास्ट क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ एंडिंग डस मृस्कटिका हैव तो इसका राइट right आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हैप्पी तो दोस्तों ये हो गया मेरा ट्वेंटी फाइव मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि मृच कटिका से संबंधित है और मृच कटिका एक फेमस संस्कृत लैंग्वेज का किताब है शुद्रका के द्वारा लिखा गया है तो इनको आप लोग बढ़िया से कर लीजिएगा कहीं पे कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा थैंक यू सो मच एवरी